तक पहुंची तो हमारी आज के इस टीम। वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे आप लोग अपने ओपन रेस को अपने लैपटॉप में स्मूथली रन कर सकते हो। उसके लिए आपको कुछ सेटिंग चेंज करना पड़ेगा। कोई भी रूटर आप लोग लैग कम कर सकते हो। आपको अगर नॉर्मल गेम प्ले करना है या स्क्रीन रिकॉर्ड करना है तो आपका लैग फिर भी कम हो जाएगा। पहले आपका FPS 5 या 6 आ रहा था, तो अभी आपका FPS एकदम 20 के आप आएगा। तो अभी मैं पर मैं अपना दिल्ली कोलकाता पार्ट 1 रूट को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर भी एक्टिविटी प्ले करने वाला था, नहीं कंसिस्ट यहाँ पर लूँगा मैं अभी वैशाली एक्सप्रेस का। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका एकदम लैपटॉप या फिर लो एंड डिवाइस PC है। तो आपका सेटिंग बताने वाला हूँ कौन कौन सी आपको करना है। यहाँ पर अल्ट्रा कैड को आप ऑफ भी ऑफ कर सकते हो, कोई ज़रूरी काम तो है नहीं इसका। मैंने यहाँ पर ऑन कर दिया फ़िलहाल। ओके सो क्लिक करते हैं। आपको हर सेटिंग को आपको सेटिंग सेलेक्ट करके ओके करना है। ऑडियो क्वालिटी में आपको इसको इतने पे रहने हैं, डिफ़ॉल्ट कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 50 है, 5 है नीचे बस। अब आपका मेन आता है यहाँ वीडियो सेक्शन में। यहाँ पर आपको डायनामिक शेडो आपका अगर ऑन टिक होगा तो इसको अन टिक कर देना है। शेडो फॉर ऑल शेप इसको भी आपको अन टिक कर देना है। ओवरहेड वायर आप लोग ऑन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी सब सेटिंग वगैरह देख लो। वीविंग डिस्टेंस मीटर 1000, वीविंग डिस्टेंस किलोमीटर 10, एक्सटेंड ऑब्जेक्ट मैक्सिमम इसको आप लोग टिक कर देना है, और 50, 45 पर रख देना है। ये सेटिंग है आप लोग। और ये एम्बियंट डेलाइट ब्राइटनेस है, इसको आप लोग नॉर्मल रहने दो 135 पे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आते हैं अपना नेक्स्ट सिमुलेशन पर। सिमुलेशन में आपको यहाँ पर अभी फोर्स रेड एट इसको मैं ऑफ कर दूंगा, लेकिन अभी इसको ऑन कर देगा, चेक कर लेता हूँ जो काम करता क्या है। वैसे इसको ऑफ रख दो सही रहेगा। डाटा लगा काम नहीं है अपना, इवोल्यूशन भी काम का नहीं है, कंटेंट भी काम का नहीं है अपना। सिस्टम इसमें थोड़ा आप लोग चेंज कर सकते हो। अगर आपका डिस्प्ले काफ़ी एकदम बड़ा है 1, तो आपको सेलेक्ट कर लेना है 120 और 720p। इसको मैं ओके कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पर आना है एक्सपेरिमेंटल पे। यकीन मानना गया आपका एकदम लैग फिक्स कम होगा। पहले मेरा भी हुआ था, तो मैंने सेटिंग अब चेंज करी। एकदम बहुत टाइम लगा मेरे को सेटिंग अप्लाई करने में, तब तक मेरा स्मूथ मक्खन चल रहा है। यहाँ पर सिग्नल लाइट को मैं ऑफ कर देता हूँ। MSTS इन्वायरमेंट इसको मैं अभी ऑन रन देता हूँ। इसको ऑफ करने से कुछ ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। बाकी शो शेप वार्निंग है, इसको मैं अभी अनटिक कर लेता हूँ। चलिए आप टिक करता हूँ, कोई नहीं आपको टिक के दिखाता हूँ। जो सेटिंग मैंने कर दिया है ये मेरे लैपटॉप के लिए एकदम काफ़ी स्मूथ है। प्रोसेसर मेरा i3 i5 है 7th जन का। तो यहाँ पर अभी हम नाइट का एकदम वो एक्टिविटी मतलब कि रूट आपको प्ले करके दिखाता हूँ कि इस रूट में मेरा कितना स्मूथली गेम रन करने वाला है। तो यहाँ पर मैं कंसिस्ट सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। जब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपका तब तो लैग फिक्स होने वाला होगा। जिसने वीडियो को स्किप किया उसका आई प्रॉब्लम हो सकती है, तो वीडियो को स्किप मत करो, वीडियो को एंड तक वॉच करो। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो और अपने दोस्तों पर शेयर करो। और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं यहाँ पर अपना एक्टिविटी सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक्टिविटी नहीं, मैं नॉर्मल रूट पर कंसिस्ट एक प्ले करने वाला हूँ अभी। कौन सा है मैंने चूज़ किया है, हाँ 12554 वैशाली एक्सप्रेस का कंसिस्ट मैं यूज़ करूँगा नई दिल्ली पर। और मैं रात का टाइम लूँगा यहाँ पर 8 बजे का। एकदम कुछ देर में अपना एक्टिविटी अभी स्टार्ट करता हूँ यहाँ से। और आप लोग फेसबुक पेज को फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप ये वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को सीधा फॉलो कर लो, क्योंकि पेज पर भी आप लोग के लिए मैं ट्यूटोरियल वीडियो लाता रहता हूँ और गेम प्ले भी करते ही हैं। थोड़ा गेम प्ले अभी कम आ रही है, वैसे मैं भी ज़्यादा फोकस फ्री फायर पर कर रहा हूँ। MSTS अभी ओपन ओपन रील सब कम खेल रहा हूँ, क्योंकि मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ ओपन रील्स की। तो यूट्यूब पर आप लोग का टाइम है 12 बजे से लाइव स्ट्रीम चालू होता है अपना। यहाँ पर मैं देख लो अपना रूट हम प्ले करने वाले हैं, Dell V2 रूट। अपना रूट बनाया है शांतनु सर जी ने, यहाँ पर आपको उनका नाम है रूट बाय शांतनु जी। आप लोग इसमें जो भी लोकोमोटिव कोच पैक दिखेगा ये सब आपको MSTSINEW.COM पर मिल जाएगा, इजीली अवेलेबल है वहाँ पर। और ये रूट भी यहाँ पर मिल जाएगा आप लोगों को। बाकी आपको ओपन एस अपने लैपटॉप पे PC में इंस्टॉल करना है, तो आप लोग मेरी चेकआउट नई वीडियो देख सकते हो, विंडो 11 तक में इंस्टॉल कैसे करना है, ये सब वीडियो आ चुकी है। जिसको भी दिक्कत आ सकती है वो मेरे को व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है कहाँ दिक्कत आ रही है उसकी। तो अभी यहाँ पर थोड़ा वर्किंग ले रहा है मेरा। और अपना सीनरी वर्क किया है अपने सामर्थ माथुर जी ने। तो अभी हम नाइट का एक्शन प्ले करने वाले हैं, बिहार सफर क्रांति का, नहीं वैशाली एक्सप्रेस का मैंने कंसिस्ट यूज़ किया है, Web 7 लोकोमोटिव है। तो आज वीडियो बिना स्किप किए देखें, तभी आपका लैग कम हो पाएगा। सेटिंग आप लोगों ने अच्छे से किया होगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आपको लैपटॉप के अंदर जो सेटिंग है व्यू एडवांस सेटिंग, उसमें करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोग आगे इसी से मक्खन चलने लग जाएगा। देखो यहाँ पर स्मूथनेस देखो यार मेरा कितना भी काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। अभी मैं आपको अपना ट्रेन ड्राइविंग इन्फो विंडो ऑन करके दिखाता हूँ। सिग्नल मेरा पूरा क्लीन दिया है, अपना लोकोमोटिव है Web P7 गाज़ियाबाद का ही होगा।
MLW का अपना लोकोमोटिव है। अभी मैं आपको FPS दिखाता हूँ मेरा कितना FPS मक्खन चाहिएगा। अच्छा लोकोमोटिव और ब्रेक तो रिलीज कर लेता हूँ, थोड़ा सा गेम प्ले भी करेंगे। एकदम रात का सीन है और नई दिल्ली पे अभी हम खड़े हैं अपनी वैशाली एक्सप्रेस के साथ। देख लो मेरा FPS एकदम पहले से काफ़ी अच्छा हो चुका है। गेम की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई है लेकिन आप लोग MSTS जैसे ग्राफिक्स नहीं ले पाओगे लेकिन गेम को स्मूथ रन कर पाओगे। देख लो आप 25 FPS तक स्टेबल है मेरा। बाकी आप लोगों के बाद सर उनका हॉर्न कैसा लग रहा है जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कमेंट कर दो यार। देख लो 26 तक अभी FPS मेरा स्टेबल है, 30 तक भी जा सकता है अगर आपका रैम फ्री है काफ़ी हद तक। तो वैसे मेरा 8 GB रैम है और 256 GB SSD लगा है मेरे लैपटॉप में। देख सकते हो कितना स्मूथ मैं फिर भी प्ले कर रहा हूँ, पहले से काफ़ी मक्खन प्ले कर पा रहा हूँ। पहले मेरा बहुत ही लैग करता था ओपन रील्स जब मैंने शुरू शुरू में इंस्टॉल किया था। ये देखो नई दिल्ली का यहाँ पर अभी स्टेशन लाइट है और हमारी ट्रेन को हम यहाँ से डिपार्चर करवाते हैं। थोड़ा सा गेम प्ले करेंगे नाइट एक्शन का, ज़्यादा वीडियो लंबी होगी नहीं। तो आप लोग जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर देना अगर लाइक नहीं किया तो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो यार। आप लोग वीडियो देख लेते हो और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, कर दिया करो यार। आपके लिए ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व वीडियो आती रही। देखो FPS मेरा 27 तक गया था अभी, क्या फिर अभी इसका कैमरा 11 नहीं है, 27 तक चला गया FPS मेरा, 28 चला गया भाई। देखो कितना मस्त लगे 28 तक चला गया मेरा, कितना स्मूथ हो गया पहले से। पहले मेरा FPS 10 तक था 8 तक था, अब वहाँ से मेरा FPS बढ़ गया है। काफ़ी अच्छी बात है गाइस, सेटिंग आप लोग कर लेना, थोड़ा सा आप लोग हल्का फुल्का सेटिंग अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो आगे जितना आपको बेस्ट क्वालिटी लेना है। तो मैं तो अभी नॉर्मल क्वालिटी पे खेल लूँगा, बस मेरे को गेम स्मूथ रन करना है और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए भाई। क्वालिटी कम हो इतना थोड़ा बहुत सह लेंगे। 25 तक FPS है, 30 तक जाता है मैंने देखा है कभी कभी। अगर रूट का डे मोड में हो तो मक्खन चलता है। अच्छा डे मोड भी अभी दिखाऊँगा आपको कभी अदर वीडियो में। अभी देखो यहाँ पर मस्त कॉसिंग है ना, तो जल्दी से इस कॉसिंग के लिए लाइक कर दो। अनंत जगह का जेंटर का मैंने यूज़ किया है इसका सिस्टम में। सामने अभी हम स्टेशन अप्रोच कर रहे हैं शिवाजी ब्रिज को, नई दिल्ली का नेक्स्ट स्टॉप तो है नहीं हमारे पास, एक स्टेशन है नई दिल्ली के आगे का। FPS देखो मैं 32 तक पहुँच गया, बताओ यार 30 FPS भी आपका गेम में अभी आने लग गया ना तो काफ़ी मस्त गेम प्ले आप लोग कर पाओगे और कोई दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। बाकी आप लोग सेटिंग को अप्लाई करो और कमेंट्स कर दो यार आपका कम सेटिंग अप्लाई करने से कैसा आपका गेम प्ले चल रहा है। जिसका भी लैग स्मूथ हुआ है पहले से लैग कम हुआ है वो वीडियो को लाइक कर दो, और जिसका लैग कम फिक्स नहीं हुआ है वो कमेंट्स कर दो कमेंट्स। देखो यहाँ पर 30 तक FPS में जा रहा है एकदम स्मूथली। यहाँ देखो किस वाले कैमरा एंगल में 30 तक पहुँच गया, कैब में आने के बाद दिखाता हूँ आप लोग 32 तक पहुँच गया, बताओ कितना स्मूथ है यार पहले से भी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय टेक केयर।